इन बीसीएन के दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्राइम टाइम की खास पेशकश में। इस प्राइम टाइम पे इस वक्त मैं हूं आपके साथ में रत्नाकर, और मेरे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ इमरान जी। इमरान, आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि हम इमरान बात कर रहे थे, स्थिति, परिस्थिति, आयाम और जो आंकड़े हैं वो एक ऐसी दिशा की तरफ लेके जा रहे कोरोना के पार्श्व में कि अब एक डर सा लगने लगा है, और कई सारे सवाल भी हमारे मन में उमड़ते जा रहे हैं। सारी जनता के मन में आजकल एक नए सवाल जो है हमारे सामने है, इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? जी हाँ, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि नागपुर अब मुंबई बन गया, मुंबई बन गया ना, मुंबई से भी ज्यादा जो हालात जो है। एक वक्त ऐसा था कि जब नागपुर को कोरोना की लड़ाई में जो एक आदर्श शहर का जो है एक तबके में उसे शामिल किया जा रहा था, नागपुर की तरफ देखने का नजरिया कुछ इस तरह से था कि नागपुर ने कोरोना के साथ में लड़ने के लिए जो रचनाएं की थी, जिस हिसाब से नागपुर ने आगे आकर जो है लड़ाई की थी और आंकड़ों को जहां पर एक लगाम कस के रखी थी, अब जो है परिस्थिति पूरी तरह से विपरीत हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से फर्स्ट राउंड में हमने देखा था कि नागपुर बहुत सेफ सिटी माना जा रहा था, डेथ रेशियो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम था, आज यहाँ ऐसी परिस्थिति आ गई है। दिन ब दिन जो संख्याएं बहुत ही स्पीड से बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े जो है डराते जा रहे हैं। आज की हम बात करें तो 727 जो है वो आंकड़े हैं और 25 मौतें, तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं, और अब तक अगर हम देखें तो 400 से ज्यादा मौत जो है नागपुर में हो चुकी है, और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी 11,000 को क्रॉस कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं किस दिशा में लेके जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम एक सवाल और मन में उठता है, जो हम सवालों की चर्चा कर रहे थे तो इन सवालों में सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि क्या जब शुरुआत हुई थी तब कोरोना की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग था, और क्या अब ये बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ में जो एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हम लोग कोरोना का साथ देने वाले या कोरोना को सामने जाने वाले हैं? जी हाँ, जिस तरह से अभी जो स्थिति दिख रही है, जब कोरोना जब शुरुआत हुई थी तो काफी डर लोगों के मन में था, लोग बाहर निकलना, हर देशों में लॉकडाउन हो रहा था। फिर उसके बाद अब अनलॉक की जब स्थिति आई, और अनलॉक में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, मौतें बढ़ रही है, मगर लोगों का देखने का नजरिया यहाँ बदल चुका है, जहाँ कई व्यवसायियों ने अपने बिजनेस बंद कर दिए हैं, बंद हो गए थे लॉकडाउन में, जो अभी खोल दिए, कहीं ना कहीं एक स्थिति उन पर यह भी आई है कि खोलना पड़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए या आर्थिक पैरामीटर्स के ऊपर में ध्यान देने के लिए कहीं ना कहीं जो है कोरोना के पार्श्वभूमि पर भी एक निर्णय लिया गया था, जिसे हम अनलॉक कहेंगे या मिशन बिगिन अगेन शुरू हुआ था, और मिशन बिगिन अगेन के तहत जो है आर्थिक रचना को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए कई व्यापारिक संस्थानों को खोल दिया गया, व्यापार उद्यम को खोल दिया गई, कई सारी सुविधाएं जो है जनता को उपलब्ध करा दी गई, और इसी के साथ साथ कोरोना की टेस्टिंग जो है वो भी बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे कोरोना की टेस्टिंग बढ़ती गई, कोरोना के आंकड़े, संक्रमितों के आंकड़े जो है वो अब चरम पर जाते जा रहे हैं। और चिंता की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ में कोरोना के संक्रमितों के जो मरीज जो जिनके मरने का आंकड़ा जो है, मौत का जो आंकड़ा है जो है, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी काफी तरह से बढ़ गया है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या है नागपुर की स्थिति क्या है? जिस तरह से अगस्त महीने की शुरुआत के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, पालक मंत्रियों की संगठना बन गई थी, एक विशेष ग्रुप बनाया गया था जो लॉकडाउन की समिति गठित की गई थी, उसके बाद आयुक्त ने भी बार बार एक अंदेशा दिया था कि लॉकडाउन होगा, मगर अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि तुकाराम मुंडे भी पीछे हट गए, पालक मंत्री भी दूर हो गए, और किसी क्या कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स में पूरा इतर बितर हो चुका है, कहीं ना कहीं जो है आसार जो है। अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं नागपुर की, हम स्थिति की अगर समीक्षा करें तो जैसा कि आपने कहा कि पालक मंत्री महोदय ने विभागीय जो डिविजनल ऑफिस है वहां पर जो एक सभा ली थी, उस पर उन्होंने कहा था कि हम एक पीरियडिकल समीक्षा करते जाएंगे और समीक्षा के उपरांत निर्णय होता है। कहीं ना कहीं संभावना थी कि जैसे ये आंकड़े हम अगर जुलाई के अंत की बात करें तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही थी कि आंकड़े उस वक्त से बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन की आवश्यकता है। चलो लॉकडाउन नहीं तो एक रेस्ट्रिक्शंस होगा, एक ये भी तय हुआ था कि एक सैटरडे संडे हम लोगों ने ऐसा उसका नियम के को जनता कर्फ्यू भी लगाया, लेकिन जनता कर्फ्यू के बाद में भी क्या हुआ,
जी तो हाँ आज जैसा आपने पॉलिटिक्स की बात कही, तो आज जो है पॉलिटिक्स के पैमाने पर अगर हम कहें तो पालक मंत्री महोदय का एक अलग ग्रुप दिख रहा है, वहीं नागपुर महानगर कर महानगर पालिका तक की अगर बात करें तो वहां पर प्रशासन की अलग बात हो गई और जनप्रतिनिधियों का एक अलग वर्ग है। तो ऐसे बिल्कुल 3 वर्गों में जो है नागपुर की जनता जो है कि कोई ऐसा जो हम कहें कि एक दिशाहीन दृष्टिकोण से हम चलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक जो ये आने वाली स्थिति है आगे कहाँ लेके जाएगी, इस बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए और सबसे पहले तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवालों के जवाब कौन देगा? सबसे पहला सवाल है कि क्या कोरोना के तरफ देखने का दृष्टिकोण पहले कुछ और था, अब कैसे बदल गया? क्या कोरोना के जो डर पहले जताया गया था कि कोरोना से संक्रमित लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ होने वाली है, उनमें कुछ सिम्टम्स पाए जाएंगे और कोरोना से जो है मरने के आंकड़े बिल्कुल भी बढ़ते जाएंगे, तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ऐसे बढ़ते हुए आंकड़ों के बाद आज जो स्थिति है उस स्थिति को जो कंट्रोल करना, या स्थिति को जो हम मरीजों की ही बात कर रहे थे, हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं उन मरीजों की जो कोरोना में पॉजिटिव पाए गए और उनको आज मेडिकल हॉस्पिटल कहे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहे या प्राइवेट हॉस्पिटल कहे, वहां पे बेड नहीं मिल रहे। आपकी और हमारी ये आंखों देखी हाल है कि वहां पे किस तरह की तकलीफें मरीजों को हो रही है। जिन बिल्कुल मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत है उनको वेंटिलेटर के बेड नहीं मिल रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें जहां पर पूरी 80 तरह से फुल प्रतिशत आरक्षित किया गया था आरक्षित छह है जो कोविड हॉस्पिटलों पेशेंट को, के लिए, और वो पूरी तरह लेकिन से फुल है। पूरी तरह से फुल है। तो जी और हाँ ये आज 727 के आंकड़े, कल 600 से ज्यादा आंकड़े, दो परसों दिन 900 पहले आंकड़े 900 के ऊपर के आंकड़े। तो ये इस तादाद में जो मरीज संक्रमित होते जा रहे हैं उसमें से कुछ जो क्रिटिकल हैं, ऐसे क्रिटिकल मरीज जाए कहाँ? बिल्कुल पहले जी आप हाँ कहते थे कि एक घर में अगर एक पॉजिटिव निकला तो पूरा मोहल्ला आप सील कर देते थे, आज तो आपका घर भी सील नहीं होता। जी हाँ दूसरा, आपके यहां मरीज पाए जाने के बाद उस मरीज को 3 दिन 3 दिन तक 3 दिन तक आप कहीं कोई उसको आप क्वारंटाइन नहीं करते या उसको कोविड बिल्कुल केयर उपचार सेंटर तक उपचार नहीं नहीं पहुंचा मिलते। सकते। ट्रेसिंग, जो ट्रेसिंग की बार बार बात कर रहे थे, वो ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। और दूसरा, बिल्कुल प्रशासन किस किस जगह पे सख्ती कर रहा है? आप अगर देखिए कोविड-19 के पैरामीटर पर नागपुर महानगर पालिका प्रशासन की अगर बात करें तो आपको टैक्स जमा कराना ही है, आपको वाटर टैक्स जमा कराना है, आपको आपका हाउस टैक्स जमा कराना है, टैक्सेशन आपको सब कुछ कराने हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मार से जनता जूझ रही है, बेरोजगारी के मार से सारी जनता जूझ रही है, लेकिन इन सवालों के साथ में ये सवाल जो है कि बेसिक हेल्थ क्वालिटी जो हमारे नागपुर वासियों को चाहिए उसके बारे में आज कहीं कोई बात क्यों नहीं हो रही है? जी हाँ बिल्कुल। इसी बारे में, इसी विषय को लेके हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आपको नागपुर शहर के हर हॉस्पिटल की जानकारी हम आपको देंगे कि कितने बेड्स वहाँ पेशेंट कितने? एडमिट है। बिल्कुल मगर उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, आप जाइएगा नहीं, चर्चा का दौर अभी चल रहा है। मैं हूं रत्नाकर, हमारे साथ में है इमरान जी, आप कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम टाइम आप देख रहे हैं NBCN के माध्यम से। 24 घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप। मोबाइल में 24 घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताजा खबरों के लिए इंस्टॉल करें NBCN न्यूज ऐप। Install the app now in Vision News. नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है प्राइम टाइम इन विजन की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ में रत्नाकर और मेरे साथ में है इमरान जी। हाँ। जहां बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े और बिल्कुल दृष्टिकोण जो है एक नया आयाम से जो प्रशासन कहे, सरकार कहे या सब लोग जो उसकी तरफ देख रहे हैं, और एक तरफ जनता जो है अपने आप को इस पूरे मसले में जो अपने आप को जो ढलने की कोशिश कर रही है या किसी तकलीफों से गुजर रही है, इस पर आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कई सवाल जो है इस वक्त मन में लोगों के भी उठ रहे हैं, हमारे भी मन में वही सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे, या ये सिलसिला है सवालों का जवाबों का या अनसुलझे सवालों का, ये इस तरह से चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ बिल्कुल। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर देश की बात की जाए तो 24 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसके और बावजूद कई कई बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसके अभी
टेस्टिंग बाकी है, बाकी है। फिर अगर हम नागपुर पे आते हैं तो नागपुर की आज की अगर स्थिति बता दें तो आज 727 पॉजिटिव निकले हैं जो कि 11,000 के ऊपर में चला गया है आंकड़ा। और नागपुर में पेशेंट का अगर बलाबल हम देखें तो 3,300 पेशेंट इस वक्त विविध कोविड केयर सेंटर्स में अभी भी भर्ती है जिनके ऊपर में इलाज चल रहा है। कई एक बात और हम दर्शकों को बता दें कि 3,300 पेशेंट इस वक्त हॉस्पिटल्स में कोविड केयर सेंटर्स में भर्ती है, उसके बावजूद एक वर्ग ऐसा है जो पॉजिटिव है लेकिन वो अब तक जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो या तो अपने घरों में ही है या ऐसा जो एक नियम जो नया बना है उसके अनुसार जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उन्हें घर में ही रहना है। लेकिन जिनके पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है वो आज भी दर बदर घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है। 5,516 पेशेंट जो है ठीक होकर घर जा चुका है सिर्फ नागपुर की हम बात करें, और आज तक 420 जो मरीज है कोरोना पेशेंट जो है नागपुर में जो है उनकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, ये बहुत ही दुख भरा आंकड़ा है जो 420 पेशेंट नागपुर में मौत हो चुकी है। अगर मेरी अगर समझ अगर पीछे जाते हैं अपन तो जुलाई महीने से जो मौत का आंकड़ा कंटिन्यू नागपुर में शुरू हुआ है वो बढ़ता ही गया है, बिल्कुल लगातार बढ़ते जा रहा है रोज। एक हम वो दौर याद करते हैं जब बिल्कुल नागपुर में शुरुआत हुई थी, मार्च महीने की बात है, मार्च और अप्रैल की जो शुरुआती दौर है वहां पर चार पेशेंट जब चार मरीज पाए गए थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये आंकड़े चार मतलब रोज एक भी पेशेंट निकलता था, दो भी निकलता था तो डर सा लगता था। और आज ऐसे है कि जो आंकड़ा है 900 के ऊपर में भी तीन दिन पहले आंकड़ा चला गया था, 727 एंटीजन टेस्ट भी इसमें शामिल है। लेकिन ये आंकड़े और बढ़ते हुए मरीजों की संख्या जो है कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति की ओर हमें इंगित कर रही है जो कि सचमुच सबके लिए उन घरों में खास करके चिंता का माहौल जरूर होगा जहां पर बड़े बुजुर्ग हैं और जो सिम्टोमेटिक है जिन्हें और भी कई बीमारियां हैं, इन लोगों के लिए कोरोना जो है एक नए रूप में एक भयानक बीमारी के रूप में जो है एक एक जो है उनके लिए साबित हो सकता है। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं नागपुर के हाल हॉस्पिटल्स के स्पेशली अगर हम बात करें तो। अगर आपको मैं बता दूं कि नागपुर में जो गवर्नमेंट के तीन हॉस्पिटल है जहां पेशेंट एडमिट है, नागपुर अगर सिटी की बात करूं तो जीएमसी में कुछ पेशेंट एडमिट है, जीएमसी में अब अभी फिलहाल की स्थिति में 367 पेशेंट एडमिट है, है। अगर मेयो की आईजीएमसी की अगर बात करें तो मेयो हॉस्पिटल में 189 पेशेंट आईजीएमसी में है मेयो। और जो नया एम्स बना है वहां पे अभी 38 पेशेंट हाल ही की कंडीशन में अभी मौजूद है। अगर प्राइवेट अगर कामठी की बात की जाए तो कामठी के एमएच हॉस्पिटल में एमएच में 15, और प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात अगर शुरू की जाए तो नागपुर के वोकार्ड हॉस्पिटल में अब तक मुख्य हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे जिसमें वोकार्ड शामिल है, वोकार्ड में 41 मरीज अभी भी रेडियंस हॉस्पिटल है जहां पर रेडियंस में 45 है, सेवन स्टार हॉस्पिटल जहां पर 61 जो है मरीज वहां पर अभी भी, और ऐसे कई है जहां पर 3,300 जो मरीज है इस वक्त जो है नागपुर में जिनका इलाज चल रहा है। और एक वर्ग ऐसा है जो आज भी इलाज के लिए जो है जो पॉजिटिव आ चुके हैं चाहे वो प्राइवेट लैब का है, वो चाहे एंटीजन टेस्ट का है या नागपुर महानगर पालिका द्वारा जो टेस्ट किए जा रहे हैं इनके द्वारा किए गए टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। लेकिन ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें अब तक हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिली हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें। और प्राइवेट हॉस्पिटल या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंचने का जो तरीका है, एक वक्त ऐसा था जब आप अगर पॉजिटिव पाए गए तो महानगर पालिका की एम्बुलेंस आपके घर में आ जाती थी, आपको ले जाती थी। लेकिन आज स्थिति जो है विपरीत है, आज आपको जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, आपको कई जगह पे आपको दर दर भटकना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैं पॉजिटिव निकला हूं और मुझे इलाज की जरूरत है। उसके बावजूद भी एक लंबा समय गुजर जाता है और कहीं ना कहीं यही स्थिति है कि जो पेशेंट मर रहे हैं उन्हें भी ट्रीटमेंट जो है क्योंकि बहुत देर से पता चल रहा है कि उन्हें कोविड था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ दो स्थिति आ रही है कि एक स्थिति ये आ रही है कि पेशेंट खुदों के आगे नहीं आ रहे जी, दूसरी स्थिति यह आ रही है कि पेशेंट आ तो रहे हैं मगर सही में नागपुर में आज के हालात इतने हैं कि जितने वेंटिलेटर के हालात है उतने वेंटिलेटर बुरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने कुछ दिन पहले सर्वे किया था हर हॉस्पिटल में हमने कॉल किए थे, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के माने तो वोकार्ड बोलो, सेवन स्टार बोलिए, होप बोलिए, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल बोलिए। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल से हमको तो ऐसे ट्रीटमेंट मतलब ऐसे रिप्लाई मिले कि सिम्टोमेटिक पेशेंट वो नहीं लेते जी, और बाकी जो जो प्राइवेट अस्पताल दिए गए वो पूरी तरह से
फुल चल रहे हैं, वहां वेंटिलेटर खाली नहीं है जी बिल्कुल जी। और मेयो में भी हमने जब बात की एक पेशेंट के बारे में, तो मेयो में से हमको वहां के डीन इन्होंने रिप्लाई किया कि यहाँ आप एडमिट तो कर लेंगे मगर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो पेशेंट जाए तो जाए कहा, अगर नागपुर में ये पेशेंट है बिल्कुल, आज अगर हम पॉजिटिव पाए जाते हैं यार आपके पास में क्रिटिकल पेशेंट है और आप में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा उठाने की आप में क्षमता नहीं है तो ऐसे पेशेंट जाए कहा के ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल प्रशासन ने इसके पहले कहा था कि नागपुर में संख्या कितनी भी बढ़ती है तो हमारे पास में पूरी तरह से व्यवस्था है, महानगर पालिका के 5 हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार है, वहां पर क्यों आज पेशेंट्स को वहां पर नहीं कोई सुविधा मिल पाती है। एक और प्रोविजन किया गया था राधा स्वामी सत्संग पे जहां पर बताया गया था कि वहां पर 5000 बेड की व्यवस्था की, क्यों वहां पर कोई ऐसी आज भी व्यवस्था उपलब्ध कराई नहीं गई है और आज ये स्थिति आज नागपुर के सामने है कि वहां पर पेशेंट अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें आज कोई भी दर दर की ठोकरी, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ना प्रशासन की तरफ से कोई उनको सहकार्य मिल रहा है, ना सरकार की तरफ से, ना क्यों। और इसके पीछे राजनीति की जो बात कर रहे थे इमरान, वो बिल्कुल बात सही साबित होती जा रही है क्योंकि इन सब के बीच में जनता को जो है उनके बलबूते पे छोड़ दिया गया है, उनके रहम करम पर छोड़ दिया गया, ऐसे ही आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से नागपुर शहर की अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों के से ना कोई किसी आयुक्त का संदेश आता है, बस बार बार ये कहा जाता है कि खुद की सुरक्षा खुद कीजिए, मगर जो कार्रवाई जो बीच में जो 2 दिन का जनता कर्फ्यू किया गया था, इसके पहले जिस प्रकार से महापौर हो या फिर मनपा आयुक्त हो और जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से दौरा किया था शहर की जो सूद ली थी, मगर वहाँ हुआ क्या, एक और मुद्दा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या, एक और जिस तरह से भीड़ थी उस तरह से आज भीड़ कंटिन्यू है बिल्कुल, जिस तरह से टेस्ट बढ़ाई जा रही है, मेरा एक सवाल है जो टेस्ट बढ़ाने के बाद जो अभी निगेटिव आ रहे हैं क्या वो फिर पॉजिटिव नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, ये बहुत अहम मुद्दा है। आज अगर हम टेस्ट करते हैं और आज हम टेस्ट करने के बाद में निगेटिव पाया जाता है और फिर हम उसी समाज में जाते हैं, आज फिर हम उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव है, तो क्या 4 दिन के बाद में हमारे पॉजिटिव आने की संभावना नहीं होती है। बिल्कुल होती है। प्रशासन ने एक और निर्णय जारी किया है खास करके उन लोगों के लिए, उस वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए जिनके दुकानें हैं, जिनके जो व्यापारी वर्ग है, इन व्यापारी वर्ग को अनिवार्य किया गया कि 18 तारीख तक वो अपने साथ में अपने पूरे स्टाफ का, सभी अपने उनके साथ में काम करने वालों का 18 तारीख के पहले जो है टेस्ट कराए। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये संभावना है कि 18 तारीख, अगर हम कहें तो 15 और 16 को सैटरडे और संडे है जिस वक्त आमतौर पर 15 अगस्त को संडे को छुट्टी रहती है, उसके बावजूद भी अगर किसी प्रतिष्ठान में 150 या 100 से ऊपर में अगर वहां पर काम करते हैं तो वो किस तरह से टेस्ट करवाए जी। हाँ, और प्रशासन ने क्या व्यवस्था करवा के रखी है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से टेस्ट कराने की बात की जाए, अगर बोलने के तो बहुत सिंपली जाता है, मगर नागपुर शहर की अगर लोकसंख्या देखी जाए तो लोकसंख्या का एक ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत एक दुकानदार वर्क है, एक व्यवस्था भी वर्क है और वो वहाँ पे काम करने वाले काफी मजदूर है कि इतने लोग जब एक साथ टेस्ट करने जाएंगे तो उसको संभालने के लिए हमारे मनपा अधिकारी या प्राइवेट लैब्स मौजूद है नागपुर में, ऐसी स्थिति है नागपुर में अभी जी। बिल्कुल, आज की हम तारीख ले या 18 तारीख तक की तारीख ले तो ये पूरे व्यापारी वर्ग में अगर हम कम से कम यही पकड़ लेते कि 5 से 6 लाख का अगर ये पॉपुलेशन होगा जो यहाँ पर काम करता है, 5 से 6 लाख लोगों की अगर हमें ये 4 दिनों में टेस्ट करवानी है तो क्या प्राइवेट लैब पकड़ के और सारी सरकारी जो संस्था है जो टेस्ट करवा रही, तो क्या इनसे ये संभावना है कि 5 लाख टेस्ट ये इतने 4 दिनों में करवा पाए। जी हाँ, अगर हम दर्शकों को बता दें कि आज तक जो है नागपुर में जो टेस्टिंग हुई है वो टेस्टिंग के आंकड़े भी हम हमारे दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे, अब तक की जो टेस्टिंग हुई है वो 1,08,671 लोगों की आज तक टेस्टिंग हुई शुरुआत से लेके अब तक। जी हाँ शुरुआत से लेके अब तक यहाँ 1 लाख ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, क्या 5 लाख टेस्टिंग आने वाले 5 दिन में करना, तो ये किस तरह के निर्णय कैसे लिए जाते हैं, मतलब आप लोगों को या व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से फिर आप व्यवस्था कराइए, क्या आप में वो क्षमता है कि व्यवस्था। अच्छा, दूसरा अगर हम प्राइवेट लैब की बात करते तो हर व्यापारी वर्ग को ये एक प्रति व्यक्ति अगर 2200 रुपए की अगर बात करें तो इतना खर्चा उठाना पड़ेगा, तो क्या ये एक संभावना है, तो क्या हर कोई हर प्रतिष्ठान अपने स्टाफ के लिए इतना पैसे का प्रोविजन कर सकता है जी, या फिर प्रशासन के पास में, या प्रशासन के पास में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो वहां पे हर प्रतिष्ठान में जाकर उनके टेस्ट करवाए, क्या ये कर्तव्य प्रशासन का नहीं होता।
या फिर प्रशासन ये करना कहना चाहता है कि सब लोग अगर एक जगह भीड़ करेंगे, अगर सेंटर की बात की जाए तो 10 से 11 11 सेंटर महानगर पालिका के टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद एक एक लैब है, अगर यहाँ अगर 5 लाख लोग टेस्ट करने एक साथ पिछले आगे आने 5 दिनों में गए तो कितनी भीड़ हो जाएगी। आप नागपुर में एकमात्र लैब है जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, हम उसका नाम इस वक्त नहीं लेंगे, लेकिन वहां पर भी हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि वहां पर कि वहां के हालात क्या है, वहां की भीड़ किस तरह से है। तो इस ऐसी ही भीड़ नागपुर में जितने अभी जोन वाइज जितने भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है नागपुर महानगर पालिका के, वहां पर आपने टेस्ट शुरू करवाई है सुबह 9 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक, ये इस समय में आप कितने लोगों का टेस्ट करवा पाएंगे? या तो फिर आप टेस्ट का जो है समय उसको 24/7 कर दीजिए, क्या ये आपके लिए संभव है? जी हाँ, उतनी अपने पास टेस्टिंग किट है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे कई सवाल जो है आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके जवाब किसके पास में है क्या नहीं। आप एक घोषणा कर देते हैं, आप एक परिपत्रक निकाल देते हैं और कह देते हैं कि COVID-19 के अंडर में आपको ये पेंडेमिक सिचुएशन के अंतर्गत आपको ये सारे चीजों को फॉलो करना है, तो क्या ये सारी चीजें हमको जनता को ही फॉलो करना है? प्रशासन की अपनी क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन ने एक वक्त पर जब पेंडेमिक सिचुएशन की शुरुआत, COVID-19 का जब संसर्ग हुआ था तब जो शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आप जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है आप अपने सुविधा के अनुसार जो है वो नियमों में बदलाव करते जा रहे हैं। आप रेफरेंस देते हैं WHO का, आप रेफरेंस देते हैं ICMR का, आप रेफरेंस देते हैं अपनी व्यवस्था का, लेकिन इस व्यवस्था ये सारी व्यवस्था है किसके लिए? जी हाँ, ये सारी व्यवस्था है जनता के लिए। तो जनता को इसमें से आम जनता की अगर मैं बात करूं, आप हम लोगों ने एक वर्ग जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हम लोगों ने दिहाड़ी मजदूरों का ध्यान रखा था कि दिहाड़ी मजदूरों को किस दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन उस वर्ग का एक मिडिल क्लास फैमिली का हम देखिए, उनका अपना दुख दर्द है, वो अपना घर परिवार ये पैंडेमिक सिचुएशन में जिनकी नौकरियां चले गई वो किस सिचुएशन में है हम उनकी बात कर देते हैं, और उसके बाद आज जो सबके ऊपर में डर बैठा हुआ है कि अगर मेरे घर में मेरे बुजुर्ग माता पिता है उनको अगर COVID-19 अगर लग जाता है, उन्हें आज की स्थिति में कोई मेडिकेशन नहीं मिल पाता, तो क्या पूरा परिवार इस सिचुएशन में डर के माहौल में जिए? जी हाँ, ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़े सवाल जो उठ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों को ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ये ध्यान कब दिया जाएगा? या तो लॉकडाउन कर दो। जी हाँ, या तो आप लॉकडाउन कर दीजिए, इस पर भी कोई बात नहीं हो रही। स्थिति अगर संभालने लायक नहीं है, अगर कोविड पेशेंट संभाल नहीं पा रहे और जिस तरह से स्प्रेड रोका नहीं जा रहा है, क्या लॉकडाउन कीजिए या फिर कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। जी हल के ऊपर में कोई बात नहीं कर रहा, आप स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, आप बढ़ते हुए आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं, आप बढ़ती हुई मौतों की समीक्षा कर रहे हैं, ये समीक्षा करने के बाद रिजल्ट क्या, ये आंकड़े आज की स्थिति में आज इन आंकड़ों को कंट्रोल कैसे किए। एक और मुद्दा मैं इमरान आपके सामने लाना चाहूंगा, आज आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल के बिल जो है, आप ओपीडी पेशेंट करके प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए। आज का ही मैं उदाहरण दूंगा आपको नागपुर के एक हॉस्पिटल का, जहां पर ओपीडी में टेस्ट कर एक अपनी रोजमर्रा के चिकित्सा करने गए, आज आप उनसे पीपीई किट का पैसा आप मांगते हो। जी हाँ बिल्कुल, 4 घंटे के लिए एक पीपीटी किट का पैसा उसमें जोड़ा गया। जी हाँ, मैं नागपुर के रहाटे कॉलोनी स्थित अवंती हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, और पूरे जिम्मेदारी के साथ में हम ये बयान दे रहे हैं यहाँ पर कि अवंती हॉस्पिटल में मरीज जो है ओपीडी में टेस्ट करवाने गए, अपनी जो है एक रूटीन चेकअप के लिए अगर वहां पे जाता है तो वहां पे उन्हें पीपी किट का पैसा लगाया जाता है। तो ये एक पेशेंट के लिए इन्होंने पीपी किट पहनी और बाद में इसे फेंक दी। जी हाँ, 450 रुपये एक पीपीटी किट का पैसा वो पेशेंट से लिया जाता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन कई हॉस्पिटल्स में इसी तरह के चीजें, महानगर पालिका ने कहीं ना कहीं इस पर लगाम कसी हुई जरूर है, कहीं ना कहीं इसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ इतने पैरामीटर या इतना मॉनिटरिंग कर पाएंगे, या अगर कहीं आवाज उठती है तो सीधे आम आदमी जाए तो जाए कहां। ऐसी स्थिति में आप अगर वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते और आज आपको जरूरत है, चलिए हम इस बात पर भी बात कर लेते कि आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा, आप प्राइवेट ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बावजूद अगर आज आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि निर्धारित किए गए महानगर पालिका की तरफ से वहां पर अगर आपके लिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए बेड ही नहीं है, तब आप कहां जाएं? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है आज नागपुर वासियों के जी में खड़ा हो रहा है। जी हाँ, पेशेंट जाए तो जाए कहां? कोरोना काल से जिस तरह से शहर में मौतें हो रही है, क्या इसके जिम्मेदार हॉस्पिटल तो नहीं? उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ये तो नहीं? इन सारे सवालों के जवाब
सिर्फ यह है कि हमने समीक्षा करने के बाद में हमने सिर्फ समीक्षा की, समीक्षा के ऊपर में जो समिति गठित की गई थी, आज अगर मैं महानगर पालिका कमिश्नर की बात करूं तो उन्होंने क्या उपाय योजना करके रखी हुई है, उनका नजरिया क्या है इन सारी स्थिति की तरफ देखने का, उसके ऊपर में बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या करना है उसके ऊपर में बात करनी चाहिए, क्या कर रहे हैं इस पर बात होनी चाहिए। अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधियों में जो तो अपना अलग आक्रोश है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने क्या करना चाहिए ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर हम पालक मंत्री महोदय की बात करें और डिविजनल ऑफिस की अगर बात करें तो उस ऑफिस ने नागपुर के लिए क्या करना चाहिए इस पर भी हमें बात करनी होगी, या कुछ ना कुछ ऐसे ठोस निर्णय इस वक्त लेने जरूरी है ताकि इन आंकड़ों की रोकथाम हो सके, या आंकड़े अगर बढ़ते तो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों को तो भी हमें रोकना जरूरी हो जाता है। और इन सारे सवाल जो इस वक्त हमने उपस्थित किए हैं, ये सारे जनता के सवाल हैं जो हमारे और आपके सबके मन में हैं, इन सारे सवालों का जवाब जो है नागपुर चाहता है और जल्द से जल्द चाहता है। जी बिल्कुल, जिस ये हमारे शो का उद्देश्य था, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही है यहाँ कहीं ना कहीं रोकथाम आना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस चीजों को बहुत ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी बिल्कुल देनी चाहिए। अभी वक्त हो चला, ज्यादा वक्त हमारे पास में है नहीं इमरान, लेकिन जहां हमने प्रशासन की बात की, जहां हमने सरकार की बात की, वहां पर हमें भी अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल समझनी चाहिए। दो दिन के अब 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिन जो है भारत का बिल्कुल नजदीक है। स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में जहां हम खुशियां मनाते हैं, भारत का स्वतंत्रता दिन हम मनाते हैं, वही कहीं ना कहीं आज हमें सिक्के के दोनों पहलू की तरफ देखने का बिल्कुल एक वक्त बनता है इस वक्त, क्योंकि जहां हम स्वतंत्रता मिलने के बाद में हम अधिकारों की बात करते हैं तो इन अधिकारों के साथ में हमारा कुछ कर्तव्य भी होता है। तो आज इस वक्त हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये भी है कि खुद की सुरक्षा खुद करनी है, और इस खुद की सुरक्षा करते वक्त हमें जो नियम है COVID-19 से सबसे पहले, आज हम COVID-19 की गुलामगिरी में ही जी रहे हैं जी, बिल्कुल, और एक कृत्रिम सी गुलामगिरी हमारे जो है पूरे वातावरण में फैली हुई है। इस कृत्रिम गुलामगिरी से अगर हमें मुक्त होना है तो कहीं ना कहीं हमें लड़ना होगा, कहीं ना कहीं हमें खुद भी एक जो है सुरक्षा चक्र कहिए, सुरक्षा अस्त्र जो है उसका लड़ना, मतलब हाथ में शस्त्र लेकर लड़ना ही नहीं होता, हमें अपनी सुरक्षा एक जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव होता है, तो आज हमें कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंसिव भी रखना पड़ेगा। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार है, क्या हमारी मानसिकता इस, और अगर ये मानसिकता होती तो कहीं ना कहीं आंकड़ों पे कंट्रोल हो जाता था। जहां हम प्रशासन की बात करें, जहां सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां हमारे जनता को भी लेनी पड़ेगी, नागपुर को लेनी पड़ेगी, नागपुर के हर एक व्यक्ति को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हम नहीं है, हमारे घर में हमारा पूरा परिवार बसता है। आज कोरोना की अगर हम बात करें तो अगर हमारे बैक ऑफ द माइंड अगर ये है कि पैसा सब कुछ ओल्ड एज के लोगों को ही इसका खतरा है या बच्चों को ही खतरा है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर एक सरसरी नजर अगर डाल दें, नागपुर में 420 मौतें, उसमें एक यंग वर्ग भी है जिसमें 45 से लेके तो 55 साल के लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है। सबसे बड़ा खतरा एक और है जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। अमरावती का मैं यहाँ पर उदाहरण दूंगा, अमरावती में जो है COVID-19 पॉजिटिव मरीज जो महिला मरीज है उनके लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था भी वहां पर कराई गई है, शायद नागपुर में भी हो या शायद हर जगह पे हो, लेकिन हमारे हाथ में इस वक्त यह है कि हम जहां प्रशासन से लड़ने की बात करें, प्रशासन से कुछ उम्मीदों की बात करते हैं, हमारे सवालों के जवाबों की जहां मांग करते हैं, तो एक सवाल हमने अपने आप को भी हमारी कृति में जरूर पूछना चाहिए कि क्या इस वक्त जो मैं मूव कर रहा हूं, इस वक्त जो मैं स्टेप ले रहा हूं, ये क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे परिवार के लिए सही है, क्या मेरे समाज के लिए सही है, क्या मेरे देश के लिए सही है, और COVID-19 से बचने के लिए क्या ये मेरा कदम सही होगा, ये सवाल आपको हमेशा अपने आप को पूछना पड़ेगा और ये पूछना जरूरी है। ऐसे ही कई सवालों के साथ फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, COVID-19 से लड़ने की बात है तो हम लड़ेंगे जरूर और जीतेंगे भी जरूर, एक उम्मीद के साथ में इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।